श्रीकाल जी सारों, अज की मेरा भरा अपनी वीडियो दो इनफॉर्मेशन लैके आए हैं कि आप एक तो अपने सरनेम का बहुत चक्कर पै रहा है हुण दे टाइम विच जिहड़े अपने पंजाब तो पासपोर्ट बनते हैं, तो उस तो बाद एक हैगी क्रोएशिया कंट्री बारे, ठीक है जी। जिहड़े मेरे वीर कहिंदे आ कि भाजी असीं यूरोप च आना चाहते हैं तो किहड़ी कंट्री का असीं वीज़ा अपलाई करिए, पहला तुहानूं मैं दस दवां सरनेम का। जदों भी मेरा भरा अपना तुसीं पासपोर्ट अपलाई करते हैं तो अपने सरनेम का जरूर पवाया करो। जिदा अपना नाम हैगा, जिदा मेरा नाम हैगा अमृतपाल सिंह पूरा नाम आ, तो अपना है ना जो पासपोर्ट दफ्तर अपने जलंधर साढ़े जिदा बनते कई अमृतसर बनते हुशियारपुर बनते हैं, तो तुम कह के सरनेम मेरा वीर पवाया करो, क्योंकि हुण दुबई ने भी यह रूल करता जिहदे पासपोर्ट से सरनेम नहीं हैगा उन्होंने एंट्री नहीं मिलनी हैगी, तो यह सरनेम का यह बहुत जरूरी यूरोप के खास करके बहुत जरूरी है। कनेडा अमरीका वाल चल पैंदा पर यूरोप के चीज़ा बहुत मायने रखदियाँ, क्योंकि जो असी एक दो बार पैसे पाए थे है ना, तो जिदा असी अल्बानिया च सीगे ते असी पैसे पाए से, तुहानूं मैं सच दसदा वह ये समझते कि खरे ये फेक पासपोर्ट चक्की फिरदे आ, वह मैनूं सरनेम का बहुत चक्कर पाउंदे सी क्योंकि मेरे पासपोर्ट सीधा मेरा नाम ही आ, सरनेम नहीं हैगा, इसलिए आपां नूं कहना पैंदा सरनेम पवाउण लई। तां करके हुण दुबई ने भी यह रूल करता, कलू रब ना करके नवां साल चढ़ना होर बथेरे रूल निकलते आ, क्योंकि यूरोप पूरे 26 घंटे जो शनगन आ, इन्होंने भी सरनेम का थोड़े टाइम तक मैं लगता चक्कर पाओगे, क्योंकि जो आप वैसटर्न यूनियन च पैसे पाते हैं ना तो यह पुछते कि तुहाडा सरनेम नहीं हैगा, ठीक है जी। मेरा भरा इसलिए कह के अपना सरनेम पवाया करो जो पासपोर्ट अपलाई करना, जो जिद नहीं भी हैगा तो तुम अपना यूरोप का कोई वीज़ा अपलाई करना चाहते जिदा अरमानिया क्रोएशिया का हो गया, बल्गारिया का हो गया, तुम वीज़ा अपलाई करना चाहते हो ना तो अपना सरनेम पवा के जो अपने पासपोर्ट का चेंज करवा के अपलाई करो, वो फिर अपना वीज़े लगन के चांस ज़्यादा होंगे आ। तो बाकी क्रोएशिया का तुम्हें दस दिए कि 1 जनवरी तो शनगन के आ रहा है, तो क्रोएशिया के जिन्हें भी मेरे भरा हो गए उन्होंने फिर सारे रूल जो शनगन है जो आराम जा सकते टिकट लैके, बस जी 20-30 यूरो की टिकट लगनी, तुम आराम 26 कंट्री तो हम 27 कंट्रियां हो जाएं शनगन, आराम ट्रैवल कर सकते, कोई इमीग्रेशन नहीं होया करनी, तो आराम तुम क्रोएशिया तो जोड़े भी हूँ आना चाहते आ, तो जिन्हें भी वीज़े लगे आ उन्होंने तो वाहेगुरु ने चलो चंगा सुनिया, आँदे शनगन किसी भी कंट्री आप मूव हो सकते हैं, ठीक है जी। तो आराम तो फिर उत्थे हुण यूरो चलन लापणे आ, तो बाकी हुण 1 तरीक तो उन्होंने सारे रूल चेंज हो जाने हैं, ठीक है जी। बाकी जे तुसीं आउणा चाहुंदे आ रोमानिया का वीज़ा अपलाई कर सकते हैं, रोमानिया के वीज़े लग जाते 5-6 महीने, तो अपने उस तो बाद बुल्गारिया हो गया, ठीक है जी, रोमानिया हो गया, क्रोएशिया हो गया, यही 3 कंट्रियां के ज़्यादा हुण जे तुसीं यूरोप दे विच मूव होना चाहते हैं तो आराम नाल तुसीं अपना वीज़ा अपलाई कर सकते हैं। कोई वधिया जिहा बंदा लभ के वर्क परमिट जे तुहानूं किसी चीज़ का एक्सपीरियंस जैसे काम का किसी एक्सपीरियंस जिदा इलैक्ट्रीशियन हो गया पलंबर हो गया तो ड्रै अपने इंडियन लाइसेंस अपना पंजाब का चल पैंदा सगो आके चेंज हो जाते हैं, ठीक है जी। तो बाकी अपना यही है कि जे तुसीं 2 नंबर दे नालों 1 नंबर दे विच स्टैप मेरा भरा चक्किया करो, क्योंकि आराम नाल 1 नंबर च बंदे नूं बहुत चांस हुंदे आ, 2 नंबर जाके साडे वर्गे बाजो फिर सारी उम्र दा यार पछतावा रहिंदा कि असीं 2 नंबर च क्यों जल्दबाजी की, क्योंकि बाजो पेपरां दा बहुत चक्कर पैंदा, इसलिए मेरा भरा तो थोड़ा सबर करके तो अपना 1 नंबर दे विच ही आया करो मेरा भीर, ठीक है। बाकी अपना तो कहना फर्ज आ, बाकी तुहानूं पता हुण सियाल आ गए, जिहड़े 2 नंबर च स्टैप चकना चाहुंदे मेरा भरा सियालां दे विच ना यह चांस लिओ, जाण दा तुहानूं पता ही है फिर खतरा, क्योंकि ठंड बर्फ पैण लग पैंदी फिर तुर भी नहीं हुंदा, ठीक है जी। बाकी मेरा भरा वीडियो देखण लई तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद, तो अपना तुसीं सरनेम दा जरूर गौर करिओ, तो सरनेम जरूर अपने सारे जणे पासपोर्ट ते पवाइओ, धन्नवाद सारिआं दा।